अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का आगाज़ हो चुका है, नाश्ता बन रहा है हस्बैंड के लिए और नाश्ते में बन रहा है चीज़ ऑमलेट। ऑमलेट मैं रेडी कर चुकी हूँ, सिंपल प्लेन सा है, नमक और कुटी हुई मिर्चों वाला। अब इसमें स्लाइस लिया मैंने चीज़ का, उसको हाफ़ एंड हाफ़ किया और उसको मैं डाल रही हूँ बिल्कुल इस तरह। और इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइडों से हल्का हल्का टोस्ट करेंगे और ये चीज़ ऑमलेट हो जाएगा रेडी। साथ में मैं रखूँगी सॉसेजेस जिनको मैंने बॉइल्ड कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में, और उसको भी हल्का सा सॉटे कर लूँगी पैन में, तो सॉसेजेस भी रेडी हो जाएंगे। तो पहले हस्बैंड नाश्ता नहीं करते थे, कभी कभार करते थे, लेकिन अब से जब से मैंने उन्हें बोला है कि आप घर पे नाश्ता क्या करें, तो काफ़ी बहस के बाद वो मान गए कि हाँ उनको रूटीन चेंज करनी चाहिए अपनी। तो अब हस्बैंड आजकल माशाल्लाह से नाश्ता घर से करके जाते हैं, और इसलिए अब डेली की मेरी रूटीन हो गई है कि मैं सुबह उठ के सीधा किचन में भागती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि देर हो रही होती है, जूस बनाना होता है फिर नाश्ता बनाना होता है, तो 20-25 मिनट्स तो लग ही जाते हैं इन कामों को ख़त्म करते करते। तो ये नाश्ता रेडी हो रहा है हस्बैंड के लिए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अंडा कैसे फ्लफ़ी बनाएं, कैसे उसको थिक बनाएं, तो जितना छोटा आप पैन यूज़ करेंगे उतना फ्लफ़ी और फूला हुआ अंडा आपका बनेगा, जितना बड़ा आपका पैन होगा उतनी स्पेस मिलेगी उसको फैलने की, तो वो पतला हो जाएगा। तो अंडे को अगर आपने फूला हुआ बनाना है तो 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें पानी डाल लें, या आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल लें। लेकिन बड़ी जो मैजिक है इस अंडे को फूला हुआ बनाने के लिए वो पैन है। पैन जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा साइज़ में, उतना फूला हुआ अंडा बनेगा। तो इसलिए ये अंडा फूला हुआ है और ये रेडी हो चुका है। अब मैं नाश्ता दे दूँगी हस्बैंड को, साथ में ऑरेंज जूस है, सॉसेजेस हैं, प्लेन ब्रेड है और चीज़ ऑमलेट है, ये जाएगा हस्बैंड के पास। और उसके बाद मुझे करना है ढेर सारा घर का काम, क्योंकि आज मेरा मिशन है कि 10 बजे से पहले पहले मुझे क्लीनिंग ख़त्म करनी है। तो चले करते हैं आज के दिन का स्टार्ट, आ जाए मेरे साथ। सो क्लीनिंग मेरी हो गई है ख़त्म, और अब टाइम है ऑयल बर्नर को जलाने का, ताकि कमरे से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये वो है जी फ्रेगनेंस ऑयल जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लेना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट से जाके ले सकते हैं। ये सेंशुअल है और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। मुझे जो पहली बॉटल टूटी थी मुझे उसकी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन ये यूज़ करने में ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये काफ़ी देर तक रहती है, मतलब 4-5 घंटों तक तो खुशबू रहती है। कल के ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और 100% लोगों ने मेरे साथ मुत्तफिक थे वो लोग के वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप छुप कर इबादत करो। लेकिन मेरा बात करना इसलिए बनता था क्योंकि सब लोगों ने यही लिखा, 99% लोगों ने, कि इग्नोर करें इग्नोर करें। इग्नोर नहीं मैं कर सकती थी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, व्हेन इट कम्स टू नमाज और कुरान पाक, तो मुझे इस पर भी उतना ही बोलना चाहिए जितना मैं यूजुअली नॉर्मल टॉपिक्स पे बोल देती हूँ जब मुझे कुछ तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ पे भी मुझे उतनी ही तकलीफ़ हुई थी, तो इसलिए मैंने बोला, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती या मैं उनको इग्नोर कर देती तो मेरे अंदर एक गिल्ट रह जाता कि यार मैं क्यों नहीं बोली। और दूसरी बात यह कि मैं चाहती थी कि मैं उन लोगों के मिसकंसेप्शन दूर करूँ कि नमाज और कुरान पाक अगर हम पढ़ रहे हैं या अदा कर रहे हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है बताने में। हाँ जी, सदका खैरात देना, किसी की मदद करना, उसका दिखावा दिखाना, उसमें सरासर बुराई है या उसको बुरा भी कहा गया है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं उनके मिसकंसेप्शन को दूर कर दूं कि हर चीज़ को अपने मतलब के लिए या किसी को डिग्रेड करने के लिए यूज़ मत किया करें। सो काम मेरा ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग डन, डस्टिंग डन, सब कुछ डन 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 हो गया है। और अभी बच गए हैं सुबह के 10, जो मैंने एक टारगेट रखा था कि 10 बजे तक मुझे अपने घर की क्लीनिंग ख़त्म कर लेनी है, वो मैंने कर ली है पूरे 10 बजे घड़ी पे, और सब कुछ डन है। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, डस्टिंग मैंने सारी कर ली थी, चीज़ों को रीअरेंज कर लिया था, और सोफ़ों को भी मैंने आज क्लीन किया है बहुत अच्छे से, और घर मेरा साफ हो गया है। अब टाइम है किचन में जाने का और खाना बनाने का, क्योंकि मैंने अब कोशिश करती हूँ कि मैं 12 बजे तक खाना बना लूँ ताकि 1 बजे तक घर में मैं एसी लगा कर शावर लेकर आराम से बैठ जाऊँ, वरना वो इतनी गर्मी में ना बहुत मैसी सीन हो जाता है। तो अभी आटा मैं गूंदने लगी हूँ, और ट्रस्ट में आटे में सवाई नमक के मैं कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि अल बेकर का जो आटा है वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है कि यू डोंट नीड टू ऐड एनी ऑयल और एनी घी। तो मैं इसमें ऑयल घी कुछ भी ऐड नहीं करती, सिर्फ नमक डालती हूँ
और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेती हूँ। अब तो समर्स आ गई हैं तो नीम गर्म पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आटे को मैं गूंद लूँगी और उसके बाद आज जो बनने जा रही है वो है जी धोखेबाज सब्ज़ी। जी हाँ, धोखेबाज सब्ज़ी। इसके लिए इसका मैंने नाम रखा है कि आप इसको जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में ले आएँ, ये बचती बहुत थोड़ी है। तो ये देख लें, पूरी एक ट्रे भरकर इसका मैंने स्किन रिमूव की है और बीज अंदर से ऑलमोस्ट सबके रेड हुए हुए थे। कुछ के साइज़ में बहुत बड़े थे, कुछ के साइज़ में बहुत छोटे थे, जो ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेले ऑलरेडी पसंद नहीं है। तो अगर मैं स्किन के साथ या बीज के साथ डाल दूंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो अभी मैं ये तकरीबन 850 ग्राम के करीब लेके आई थी, तकरीबन 1 किलो ही हो गए। और ये बचे कितने हैं, 200 ग्राम के करीब भी नहीं है बचे स्किन रिमूव करने के बाद। तो आज तो बहुत ही बैड सीन था इन करेलों के साथ। मुझे करेले बहुत पसंद है, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो एक टाइम खा लेते हैं। तो साथ में मैं चिकन टिक्का बोटी बना लूँगी ताकि हस्बैंड करेले के साथ वो खा लें। और मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे करेले प्याज खाना है, तो मैं इसमें ढेर सारा प्याज ऐड करूँगी ताकि ये ढेर सारे हो जाएँ थोड़े से। और बहुत मज़े के लगते हैं करेले प्याज। करेले कीमा भी होता है, करेले गोश्त भी होता है। मैं बनाऊँगी करेले प्याज। तो जल्दी जल्दी इस कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। सो जी, करेले मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, ढेर सारे टमाटर डाले थे, अदरक लहसुन मैं नहीं ऐड करती इसमें, हरी मिर्ची डाली है, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया डाला है, हल्दी भी नहीं डाली मैंने। तो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि करेले डायरेक्ट मैं ऑयल में से निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ, तो उसमें ऑलरेडी ऑयल आ जाएगा। तो जितना रिक्वायर्ड चाहिए होता है आपको करेलों में उतना हो जाएगा। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है करेले, देख लें कितने थोड़े से हैं। अभी ऊपर से चला जाएगा ढेर सारा अनियन, क्योंकि मुझे इस तरह अनियन ऊपर से डाल के खाना बहुत मज़े का लगता है। मसाले में तो ऑलरेडी मसाला बन गया है एक अनियन का। अभी मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है, स्लाइस्ड काट लिया है मैंने, उनको थोड़ा मोटा रखा है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा अनियन, और इतना हो जाएगा कि आपको मज़ा आएगा करेले के साथ खाने का। बहुत ज़्यादा दम मत दीजिएगा, उससे ये होता है कि फिर वो बहुत ही सोगी से हो जाएंगे अनियन, और रात तक तो बहुत ही सोगी हो जाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि इसकी थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए अनियन में, तभी ज़्यादा मज़ा आता है करेले प्याज खाने का। तो ये प्याज मैंने ऐड कर दिया है, और देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी ये श्रिंक हो जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका अच्छे से करते हैं मिक्स मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए। और जब भी आप इसको दम पे रखें तो मेक श्योर करें कि आप नीचे तवा रख लें, क्योंकि जब भी भुनी हुई सब्ज़ी को हम दम पे रखते हैं तो उसके नीचे लगने का डर होता है। बेशक आप नॉन स्टिक यूज़ कर लें या कुछ भी यूज़ कर लें, आप उसको मेक श्योर करें कि तवा गर्म करें और 10 मिनट के लिए उसके ऊपर रख दें कवर कर कर। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़े की भिंडी और करेले सेम ऐसी तरह बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी कितना मज़े का लग रहा है। ये दम पे रखते हैं इसको, और मीनवाइल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जल्दी से जाकर। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि यार लैपटॉप ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही, क्योंकि एक वीडियो पे तो कमेंट्स आते ही आते हैं जो मैं डेली डालती हूँ। इसके अलावा बाकी भी सारी वीडियोस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह कि वो कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करें। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरीज आती हैं मैं उनको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ, और बाकियों को इंशाल्लाह कल परसों तक मेरा लैपटॉप आ जाएगा। ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, और फिर इंशाल्लाह सबको रिप्लाई आएगा। डोंट वरी गाइस, आप सबको पता है कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, तो यकीन रखें मेरे प्यार पे, और आपको मैं रिप्लाई जल्दी कर दूँगी। ये करेले देखें, अब स्टीम के बाद इतने से हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने टिक्का बोटी रेडी की है, चिकन बोनलेस लिया, उसको बड़े बड़े क्यूब्स में काटा, नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये डालकर और 1 चम्मच दही के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स किया। 1 लेमन को स्क्वीज़ करके डाला उसका जूस, और चिकन पर अच्छे से प्लेस कर दिया है। अभी मैं ग्रिल को कर रही हूँ ग्रीस। ग्रीस करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, और स्क्यूअर्स में मैंने लगा लिया था ताकि आसानी हो मुझे इसको
पकाने में, तो इसको मैंने इसके पे लगा के आधे घंटे घंटे के लिए छोड़ा था। अभी अच्छे से मसाला इसके अंदर रच बस गया है। अब इसको ग्रिल पर रख देंगे और 150-160 के बीच में टेम्परेचर होगा ग्रिल का और ये चिकन टिक्का हो जाएगा रेडी। तो किसी ने लिखा था यार ये तो इतनी बेकार चीज़ है इलेक्ट्रिक ग्रिल, इससे अच्छा आप पैन ले लें। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर आप मीट को उसके सर्टेन टेम्परेचर पे पकाएंगे तो ही वो मज़े का बनता है। तो इसीलिए ग्रिल पैन तो आप ले सकती हैं, लेकिन आप फ्लेम को कैसे मैनेज करेंगे? आपको क्या पता कि इस वक्त आग का क्या टेम्परेचर है? वो 300 पे है, 350 पे है या 400 पे है? तो इसलिए फिर वहाँ पे आप जो भी पकाते हैं ग्रिल पैन पे वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो जाता है या तो कच्चा रह जाता है। तो इलेक्ट्रिक ग्रिल का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आप इसको टेम्परेचर पर पकाते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है। तो चिकन पकता है जी, बोनलेस चिकन पकता है 150-170 के बीच में, फ़िश पकती है 140-150 के बीच में, फ़िश और बीफ जो है वो लेता है 180-200-250 तक चला जाता है। तो इस टाइम को इनके टेम्परेचर पे पकाएंगे तो ही मज़ा आता है। तो मेरा ग्रिल लेने का मकसद ही यही था, वरना ग्रिल मुझे पहले लगता था कि एक फजूल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरे घर में क्योंकि बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो इसलिए एक ऐसी चीज़ घर पर लेना जो आपकी डेली यूज़ में आ रही है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अभी टाइम है रोटियां बनाने का, हस्बैंड मेरे आ चुके हैं और वो फ्रेशन अप हो रहे हैं। मीनवाइल मैं रोटियां बना लूँगी, और मैं रोटी बना के नहीं रखती एंड आई डोंट हैव अ हॉट पॉट जिसमें आप रोटी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे तवे से उतरी हुई रोटी ही देना पसंद है, कोई भी हो, खुद भी हूँ या मैं किसी को, मेरे घर पे भी कोई आया है तो आई मेक श्योर के रोटी तवे से उतरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो तवे से उतरी हुई रोटी का मज़ा आता है वो हॉट पॉट में बनाई हुई रोटी का मज़ा नहीं आता सालन के साथ। तो जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी रोटियाँ। और ये मेरा आज का ब्लॉग था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपनी रियल मॉर्निंग रूटीन। मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरी जो डेली रूटीन होती है वही मैंने शेयर की है, और ये आजकल मेरी गर्मियों की रूटीन है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि काम मैं दिन के टाइम ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म कर लूँ ताकि बाकी दिन मेरा सुकून से गुजरे। अगर आपको अच्छा लगा है आज का व्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।